जल्दी से। नवनीत शुक्ला ए आंसर है, अनमोल। किसी का बी आ रहा है, किसी का डी भी आ रहा है भाई जी। गोपाल पटेल शिवम, ज्यादातर विद्यार्थियों का ये आंसर है। ठीक है, समर सव बिल्कुल सही। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों देख लेते हैं, लकड़ों को घातांक के रूप में लिखोगे कैसे लिख सकते हो? ए की पावर 2 बराबर 9। बताओ ऐसा इन निम्नलिखित दिए गए ऑप्शंस में कौन सी संख्या ए बराबर ली जाए जो 9 के बराबर आ जाएगा? हाँ भाई, पहला ऑप्शन ही देख लीजिए, ए बराबर 3 सेलेक्ट करोगे तो 3 का वर्ग किसके बराबर होता है? 9 के। ठीक है, तो जिन बच्चों का ए आया है वेरी गुड बिल्कुल सही, कुछ बच्चों ने बी और डी किया है, जैसे ये कौन बच्चा निकल गया, ये क्या नाम है, चलिए ठीक है, बाकी बच्चों सही। अब से क्या था आंसर सही करिए भाई। बेटा सी सी कैसे हो जाएगा? क्या 9 का वर्ग 9 के बराबर होगा क्या? नहीं है ना संभव। 2 का वर्ग क्या 9 के बराबर होगा? नहीं संभव है। 18 का वर्ग अगर ए बराबर 18 लेते हैं, क्या 9 आएगा? नहीं आएगा बेटा। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा नंबर सही है? ए बराबर 3। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, गलती हो जाती है। ठीक है, सोहेल अनमोल। चलिए चलिए नोट करें, नोट करिए। चलिए ठीक, तो बच्चों इस तरह से हम लोगों का घातांक सिद्धांत भी कंप्लीट हो गया, लंबगणक भी चैप्टर पूरा हो गया, जितने भी उसमें टाइप ऑफ रिजल्ट थे ठीक है ना, वो सारे के सारे हम लोगों ने पढ़ लिए। ठीक है भाई, लॉग लॉग ए बेस एम एन टाइप का रिजल्ट था, तो बेटा क्या आता था? लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए एन। ठीक है ना, अगला रिजल्ट क्या होता था बेटा? लॉग बेस ए एम एन एम अपॉन एन टाइप का रिजल्ट था। इसका मतलब क्या होता था बच्चों? लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन। ठीक है, एक रिजल्ट था लॉग बेस ए बी टू द पावर ऑफ एन, तो बच्चों एन गुणा में चला जाता था, इतनी बात क्लियर। फिर बच्चों अगला रिजल्ट था लॉग ए बेस बी, अगर 1/n के फॉर्म में लिखना है तो आधार और लकड़ के मान में अदला बदली हो जाती तो बी ए हो जाता था। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों काफी ए की पावर 0 हमने पढ़ा, कितना आया? 1 आया। इसी प्रकार किसी भी आधार पर एक का लघुगणक कितना होता है? 0। किसी भी आधार पर 0 का लघुगणक मान कितना होता है? -∞। ठीक है ना बेटा, इतने सर इतने प्रकार के हम लोगों ने पढ़े थे बच्चों। एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो आप लोग जनरली भूल जाते थे, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? लॉग ए बी दिया गया है, नया आधार या इतना याद रखा करो, नया आधार, बस आपको याद आ जाएगा। सवालों में कभी कभी इसका 4 से 5 सवाल, जिसमें 2 से 3 सवाल तुम्हारी सीट में थे जिसमें नए आधार पे आधारित था, तो बच्चों जब नए आधार में बदलना होता है तो log x जो b दिया जाता है वो अंश में ही रहता है, आधार हर में चला जाता है। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट था। इस तरह से हम लोगों ने कुछ मुख्य मुख्य रिजल्ट पढ़ लिए थे, सारे के सारे हमने आपको लिखा भी दिए थे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नए चैप्टर की तरफ। जी अभिषेक यादव, जय जवान जय किसान, अवनीश मौर्य। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये लिखने वाली बात नहीं है, तो हम सब लिखा चुके हैं आपको।
ये तो सारा कुछ लिखा चुके हैं, ठीक है। तो अब सभी बच्चे चैप्टर का नाम डाल लीजिए, कुछ चीजें शुरुआत भी कर देते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, आपकी अगली यूनिट जो है वो क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति सभी बच्चे इस यूनिट का नाम डालें, नए पेज से निर्देशांक ज्यामिति। सभी बच्चे नए पेज से यूनिट का नाम डालें, निर्देशांक ज्यामिति। प्यारे बच्चों कुछ हम शुरुआत कर देते हैं इसमें, निर्देशांक ज्यामिति में। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ लीजिए। 2 से 3 क्वेश्चन ब्रेक कर देता है निर्देशांक ज्यामिति, और आना तो आना है, और कंपलसरी है कहां से क्वेश्चन आना है। जैसे सबसे पहले हम बच्चों निर्देशांक बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन। निर्देशांक बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे भुज और कोज टाइप के तत्व, एक्स और वाई अक्षों के बारे में पढ़ेंगे, भुज और कोज के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह के आपने मूल बिंदु क्या होता है, ठीक है ना, कैसे हम एक्स और वाई में एलिमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है ना, आप विभव को लिखते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बात, पहला पॉइंट क्या है, निर्देशांक बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बात जो आपने खूब सवाल में यूज किया होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जब हम निर्देशांक बिंदुओं के बारे में पढ़ लेंगे, सभी बच्चे इस इंट्रोडक्शन को समझो, चैप्टर का माइंड मैप दिमाग में बनाया करो। अगर माइंड मैप बना लिया तो क्वेश्चन जल्दी हिट हो जाता है, कि मान लो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आया सवाल पे, या आया 4 बिंदु दिए गए हैं और बता रहा 4 बिंदुओं से घिरी हुई या निर्मित आकृति कौन सी बनेगी, वर्ग बनेगा, आयत बनेगा, तो दिमाग में जाना चाहिए ये तो निर्देशांक चैप्टर में जा रहा है। दूसरी बार 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकाली जाएगी, फिर उसमें सबकी लंबाइयां देखी जाएंगी, वर्ग होगा तो सभी भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसमें प्यारे बच्चों हम 2 बिंदुओं के बीच की दूरी भी निकालेंगे, हम 2 से ज्यादा बिंदु देंगे, 4 बिंदु, 3 बिंदु, 3 बिंदु देंगे तो आपको याद आ रहा होगा कोई त्रिभुज बनता था, तो उसमें हम नेचर पूछ लेंगे। इसमें कैसे सवाल बनेंगे, त्रिभुज के नेचर पे बनेगा, जैसे ABC 3 बिंदु दे देंगे, ठीक है ना। अब बच्चों हम कहेंगे 3 बिंदुओं से घिरी हुई आकृति जो त्रिभुज बन रहा है कैसा बन रहा है, समभाव बन रहा है कि विषम भाव बन रहा है, तो आप दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यहां निकालेंगे, फिर यहां दूरी निकालेंगे, फिर ऐसी दूरी निकालेंगे, और उससे निर्णय लेंगे इन तीनों भुजाएं बराबर हैं तो संभाव है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं तो विसंभाव है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के हम त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट बच्चों रहेगा इसी में, बहुत इंपॉर्टेंट, जो लगातार टेस्ट में हम क्वेश्चन रखते ही है, ध्यान देना, जो हम आपको सीट दे रहे हैं, पहली बात। नंबर 2, संडे टेस्ट हो रहा है, जो बच्चा उस पर पकड़ कर लेगा, ये मान चलो वो जो मैथ में बढ़िया नंबर लाना होता है उतना तो आपका आ जाएगा, क्योंकि हर टाइप का हर संडे को, एवरी संडे को प्रयास रहता है टाइप बदलने का, ठीक है ना। तो तकरीबन 16-17 तो हो चुके होंगे का टेस्ट, समझो हर चैप्टर से 17 प्रकार के तो सवाल पहुंच चुके हैं, और 20 प्रकार के सीट में होते हैं, 37 हो गए, नोट्स में करा देते हैं 6-7-8 प्रकार के, एक चैप्टर से 40 प्रकार के, 20 प्रकार के जो टाइप टॉप टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो सब हो जा रहे हैं, तो मैं तो बस प्रैक्टिस की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, फिर हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल निकालना। मोबाइल नंबर यूज करेंगे बच्चों, 23, 31, 12 टाइप का एक रिजल्ट होता है, वो हम समझाएंगे कैसे तुम्हें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। यहीं से बच्चों हम समरेख की कंडीशन निकालेंगे, समरेख, समान रेखाओं में 3 बिंदु होते हैं तो क्या क्या उसकी कंडीशन होती है, ठीक है ना। अगला इसी में बच्चों पढ़ेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बाद, इतनी बात लिखना है नोट्स में, निर्देशांक ज्यामिति हेडिंग डालो, सबसे पहले निर्देशांक बिंदु डालिए, दूसरी बात 2 बिंदुओं के बीच की दूरी की बात लिखिए, तीसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, 23, 31, 12 भी लिखिए, इससे आपको याद रहे कि 23, 31, 12 होता क्या है, जब हम पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसी में समरेख के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर बच्चों अंतिम हमारा पॉइंट होगा इसी में विभाजन बिंदु, ठीक है। तो 1 से 2 लेक्चर में
अधिकतम दो लेक्चर में निर्देशांक ज्यामिति तुम्हारी पूरी कवर हो जाएगी, और उसके बाद टेस्ट नंबर कौन सा आएगा, ये टेस्ट नंबर कौन सा था, सातवां था, तो इसके बाद आएगा बच्चों टेस्ट नंबर आठवां, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, कितने होंगे 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है एडिट डाल लीजिए सभी बच्चे, नए पेज से लिखे, अमित बगैर तुम्हें नाम नहीं पता, हर संडे को तो बोलते हैं ऋषभ पांडे, ठीक है ना, अमित बगैर को नाम नहीं पता। चलिए चलिए इतना पहले लिखिए बच्चों, यूनिट का नाम डालिए निर्देशांक ज्यामिति, ऐसे ही सेम लिखिएगा तभी अच्छे से समझ में आएगा निर्देशांक ज्यामिति, और सारे बुलेट पॉइंट लिख लीजिए, सारे बुलेट पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए ठीक है बच्चों, तो फिर आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये चैप्टर जो है नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि शुरुआत में इसमें वक्त लगेगा, ठीक है। तो आज जो है इतना ही लिखते हैं, सभी बच्चे इतना नोट कर लें, और इसको जो है नेक्स्ट डे जो हमारी अगले टर्म पे हमारी क्लास होगी वहां इसको कवर कराएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू बच्चों। जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के नंबर वन कोचिंग संस्थान तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जो है टेस्ट नंबर 11 देखने वाले हैं। इस टेस्ट में जो है आपको करीब 17 क्वेश्चंस हैं। सभी बच्चों को जो है जो भी पढ़ाया गया है, मोशन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय गति और गुरुत्वाकर्षण और वृत्तीय गति, ठीक है, और सरल लोलक के भी दो चार सवाल होंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सारे लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे,
फटाफट सॉल्व करके सभी को बताना है कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, सारे लोग तैयार हो जाओ टेस्ट करने के लिए फटाफट जल्दी से। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से आए सभी लोग। अनुपम कुमार, हरीश कुमार, राहुल पाल, नवनीत शुक्ला, सभी बच्चों को आशीर्वाद। सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से आए सभी लोग फटाफट। जय हिंद। सभी को जय हिंद। सारे लोग जल्दी से जुड़ जाएं। लकी ओझा, अंकित कुमार, सुनील गंगवार, सागर त्रिपाठी, रुचि पटेल, नमस्ते सभी को, नमस्ते, राधे राधे। जल्दी से सभी लोग आए। कॉपी और पेन लेकर के ही बैठेंगे सभी लोग। अजय कुशवाहा, आलोक कुमार, सुनील गंगवार, कुणाल राज, दिलीप कुमार, विशाल कुमार, अंकुश, आलम अंसारी, जय सिंह, प्रांशु गौतम, कुलदीप चौधरी, सारे लोग जल्दी से आ जाएं। यजवीर सिंह, रोहित कुमार, नमस्ते सभी को, गुड आफ्टरनून। चलिए तो टेस्ट नंबर 11 है, इसका जो है पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। सारे लोग आंसर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएं सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएं सभी लोग, सभी विद्यार्थी। जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर होगा। सरल रेखीय गति हमने पढ़ाया था आप लोगों को और बताया था कि जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से छोड़ते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। जैसे जैसे वस्तु धरातल की ओर आती है वैसे वैसे उसका वेग क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे वस्तु नीचे आएगा वैसे वैसे उसका वेग बढ़ेगा और धरातल से टकराते समय वस्तु का वेग बताया था क्या होगा, अधिकतम होगा। ये सब लोगों को पता होना चाहिए, सी ऑप्शन सही होगा। v बराबर होता अंडर रूट 2gh। यदि कोई वस्तु या ऊंचाई से गुरुत्वीय क्षेत्र में विरामावस्था से गिरती है, ठीक है, तो उसका वेग होगा, जब वस्तु जैसे जैसे धरातल की ओर आएगी उसका वेग बढ़ता जाएगा, जब वस्तु पृथ्वी से टकराएगी तो उसका वेग अधिकतम होगा। और कितना वेग होगा, v बराबर अंडर रूट 2gh। और अगर ये पूछा जाता धरातल तक पहुंचने में लगा समय, अगर ये पूछा जाता धरातल तक पहुंचने में लगा समय, धरातल तक पहुंचने में लगा समय अगर पूछा जाता, धरातल तक पहुंचने में लगा समय, अगर ये समय पूछा जाता तो t बराबर होता है अंडर रूट 2h/g। अगर आप लोगों को याद हो तो ये चीजें हमने नोट कराया आप लोगों को, जब किसी वस्तु को किसी ऊंचाई h से छोड़ते हैं तो जैसे जैसे वस्तु धरातल की ओर आती है उसका वेग बढ़ता जाता है, जब वस्तु पृथ्वी से टकराती है तो उसका वेग अधिकतम होता है, कितना होता है अंडर रूट 2gh। और पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय टी बराबर होता है अंडर रूट 2h/g। ठीक है, टी बराबर होता है अंडर रूट 2h/g। ठीक है, काफी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सी ऑप्शन। जो नए विद्यार्थी हैं भी नोट कर ले, धरातल तक पहुंचने में लगा समय टी बराबर होता है अंडर रूट 2h/g। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ग्राउंड, आलोक उपाध्याय, ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द ग्राउंड टी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर दें। सॉल्व करके बताइए, फोटो खींच के बताइए जल्दी से, सॉल्व करके सोल्यूशन भेजिए सभी लोग। प्रदीप सिंह प्रेजेंट नहीं है ना, प्रदीप सिंह, मुकीम, ये सब क्या कर रहे हैं जो कानपुर आके घूमने आए हैं कानपुर का,
कानपुर में कुछ लोग आकर के जो है केवल घूम रहे हैं और बाकी कुछ करना धरना नहीं इनको। इससे अच्छा घर ही पे रहते तो ज्यादा अच्छा रहता। प्रदीप हो गए, चंदन तिवारी हो गए, है ना, ये सब रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा सबको। जो क्लास नहीं करते हैं ये बहुत बुरा पछताएंगे। जो अब्सेंट होता बच्चा, ठीक है, वो समझ लो कहीं ना कहीं से दो स्टेप पीछे हो जाएगा, और जो प्रेजेंट रहेगा वो दो स्टेप आगे रहेगा, उसकी रैंक अच्छी आएगी। संतोष मौर्य, जल्दी बताएं सभी लोग। सत्येंद्र ने सॉल्व करके भेजा है। अमर अग्निहोत्री भी यार नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। रजनीश, विकास, चलो ठीक है, पढ़ रहे हैं तो ठीक है, दिखते तो नहीं है यहां पर। मुकीम हुसैन भी तो नहीं है यहां पर, ठीक है, वेरी गुड, सॉल्व करके भेजिए। हमारे अग्निहोत्री नहीं है, आसमेंद्र हैं, सत्येंद्र भी हैं, चलिए काफी लोगों ने सही जवाब दिया है। अब आ रहे हैं गुड आफ्टरनून बोलने, मुकीम हुसैन, ठीक है, इनको किसी ने मैसेज कर दिया होगा कि सर नाम ले रहे हैं, अब भागे आए हैं क्लास करने, है ना, किसी ने मैसेज किया होगा, ये तो 100% मान लो। हाँ, तो देखिए, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग, सारे लोग समझे, ये प्रारंभिक वेग दिया गया 5 मीटर प्रति सेकेंड। प्रारंभिक वेग की यू कहते हैं 5 मीटर प्रति सेकेंड। प्रारंभिक वेग दिया गया है वह 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के नियत त्वरण से, त्वरण a बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से गति करते हुए 10 सेकेंड में, t बराबर 10 सेकेंड में कितना वेग प्राप्त करेगा, अंतिम वेग बताना है, कितना वेग प्राप्त करेगा अंतिम वेग। देखो यहां पर सवाल को पढ़ना, एक वस्तु प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकेंड है, त्वरण यहां पर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, 10 सेकेंड के बाद वेग बताना है अंतिम वेग। यहां पर अंतिम वेग v बराबर क्या होगा, u प्लस at, गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस at, अंतिम वेग v बराबर प्रारंभिक वेग प्लस u प्लस at हो जाएगा। u का मान 5, a का मान 2, t का मान 10, 10 दुना 20, 20 5 25, 25 मीटर प्रति सेकेंड। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका बिल्कुल सही न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन, ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकेंड, वेरी गुड, 25 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, 25 मीटर प्रति सेकेंड बी वालों का बिल्कुल सही है, सेकेंड ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं सभी का सही है, ठीक है, 25 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। कैसे समझ में आएगा सवाल, पढ़ना पड़ेगा। प्रारंभिक वेग दिया गया, प्रारंभिक वेग को यू कहते हैं, अंतिम वेग को वी कहते हैं, समय को टी कहते हैं, त्वरण को ए कहते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। गति का पहला समीकरण होता है वी बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा होता है, दूसरा समीकरण क्या होता है गति का, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा समीकरण क्या होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इवन सेकेंड में चली गई दूरी का सूत्र क्या होता है एस प्लस एस बराबर यू प्लस ए बाई टू टू टी माइनस वन, है ना, ये गति के 4 समीकरण बताए गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा। यहां पर पहले समीकरण का जो है उपयोग होगा। अमन पांडे पूछ रहे हैं पेपर कब होगा, पेपर बेटा 25 जुलाई तक होने की संभावना है। फिजिक्स के बेटा यूपी कैडेट में 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन जो है फिजिक्स का होता है, 25 क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री का होता है,
25 क्वेश्चन जूलॉजी का होता है, 25 क्वेश्चन बॉटनी का होता है, 20 क्वेश्चन जीएस होता है, 20 क्वेश्चन आपका मैथ होता है, 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर में 60 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन एग्रोनॉमी होता है, 15 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर होता है, 10 क्वेश्चन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग होता है, 10 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर सवाल बताइए। सारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं, सॉल्व करके भेजिएगा, सॉल्व करके भेजिए सभी लोग। एक वस्तु का प्रारंभिक वेग, देखो u, प्रारंभिक वेग u बराबर 25 मीटर प्रति सेकेंड, 25 मीटर प्रति सेकेंड, वह 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण से, मतलब त्वरण a बराबर माइनस का 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण से गति करती है 5 सेकेंड के बाद, t बराबर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद उसका वेग क्या होगा, इसका मतलब अंतिम वेग बताना है। जल्दी बताओ, फटाफट सॉल्व करके बताइए। ठीक है आसमेंद्र सिंह, वेरी गुड, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते चलो, ठीक है। लिखना बहुत जरूरी है, किसी का नोट से एक बार बना उससे मतलब नहीं है कि गति के समीकरण आप लोगों ने लिख रखे हैं चारों तो दोबारा नहीं लिखोगे। हर क्वेश्चन के साथ आपको बार बार लिखना है। जल्दी बताएं, इस क्वेश्चन का भी आंसर बता दें। यजवीर बता रहे हैं बी ऑप्शन, बाकी लोग बताएं जल्दी से, जल्दी बताएं। अमन गौतम 15 बता रहे हैं, हीरा लाल, अर्पित यादव, ठीक है बिल्कुल सही है, सॉल्व करके भेजिए, ठीक है। रुचि पटेल बिल्कुल सही है, अर्पित यादव बिल्कुल सही है, गुड्डू वर्मा आपका गलत है, ठीक है, गुड्डू वर्मा गलत है, दिलीप कुमार बिल्कुल सही है, सतेंद्र बिल्कुल सही है, संतोष बिल्कुल सही, मोंटू गौतम बिल्कुल सही, ठीक है, नरेंद्र का गलत है, प्रदीप सिंह भी आ गए, हाँ ठीक है। तो क्या होगा यहां पर, गति का पहला समीकरण लगाओ, v बराबर u प्लस at, काफी बच्चे गलती कर दिए हैं, u का मान कितना है 25 प्लस a का मान माइनस 2 और t का मान 5, ऋणात्मक त्वरण लिखा हुआ, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, तो त्वरण का मान माइनस में रखना है, यहां माइनस में, और ये हो जाएगा 25 प्लस गुणे माइनस, माइनस 5 दुना 10, 25 में से 10 घटा दो कितना आएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड, ऋणात्मक त्वरण दिया गया था तो a बराबर माइनस 2, जितने लोगों ने a बताया बिल्कुल सही है ना, एकदम ये ओके होना चाहिए, सबका रटा होना चाहिए कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए ये गलत ना हो, ठीक है। अजय कुशवाहा, अंकुश कुमार, ठीक है, क्लियर है सभी का, समझ में आया सभी को। लिखा है एक वस्तु का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को u कहते हैं, u बराबर 25 मीटर पर सेकेंड, वह 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण से, ऋणात्मक त्वरण का मतलब मंदन होता है, a बराबर माइनस 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, कह रहा 5 सेकेंड के बाद, t बराबर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद वेग क्या होगा, मतलब अंतिम वेग बताना है, v बराबर u प्लस at, गति का पहला समीकरण लगाओ, u का मान रखो, a का मान माइनस में रखो, t का मान 5 रखो, प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, विकल्प नंबर ए, हर्ष शर्मा, ठीक है वेरी गुड, ठीक है। संदीप चक्रवर्ती बिल्कुल सही है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, चलो क्वेश्चन नंबर 4 बताओ सब लोग, देखते हैं कितने लोग बताते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताएं, सोहेल अंसारी बताओ जल्दी से इसका,
सभी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का कहते हैं। उत्तर बताओ। इसका क्या ऑप्शन होगा? काफी विद्यार्थी जो है त्वरण बता रहे हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। और वेग किसे कहते हैं? विस्थापन परिवर्तन की दर को। जो नए विद्यार्थी नोट कर लें, वैसे सभी नोट कर लें, विस्थापन परिवर्तन की दर वेग होता है। विस्थापन परिवर्तन की दर, इसे कहते हैं वेग। वेग होती है सदिश राशि, ठीक है। सदिश राशि, मात्रा किसका होता? मीटर प्रति सेकेंड। विमा होती है LT-1। वेग हो गया। संवेग किसे कहते हैं? संवेग भी सदिश राशि है, ये भी सदिश है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल नोट कर लेना, द्रव्यमान व वेग का गुणनफल। द्रव्यमान व वेग का गुणनफल संवेग होता है। संवेग का सूत्र पी बराबर एम इंटू वी होता है। मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन सेकेंड होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। बीमा MLT-1 होता है। ये संवेग की बात हो गई। बल, बल अगला चैप्टर बल का ही आएगा। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल सदिश राशि है, बल सदिश राशि है। SI मात्रक न्यूटन होता है। CGS मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन। 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन, ठीक है। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। नवनीत शुक्ला, मास इंटू वेलोसिटी को इंपल्स नहीं कहते। इंपल्स होता है बल गुणे समय अंतराल। आवेग होता है बल गुणे समय। आवेग मतलब इंपल्स, ये होता है बल गुणे समय। बल गुणे समय को आवेग कहते हैं। बल गुणे समय को आवेग कहते हैं, ठीक है। ना आप सही है, क्लियर है सभी का। ये हमने अतिरिक्त बातें बता दिया है। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और एक चीज और समझना, त्वरण ए बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय होता है त्वरण। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बीमा बच्चों LT-2 होता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, याद रखना। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ये सारी बातें नोट करा चुके हैं आप लोगों को। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन गति का उपयुक्त समीकरण नहीं है? ये चार समीकरण लिखे गए हैं, इनमें से पूछा गया कौन सा उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त का मतलब कौन सा सही नहीं है। जल्दी बताएं कौन सा समीकरण सही नहीं है। जल्दी से जवाब दें सारे विद्यार्थी, जल्दी बताओ फटाफट। निम्न में से कौन गति का उपयुक्त समीकरण नहीं है? कौन सा ऐसा समीकरण है जो गति का समीकरण नहीं है? जल्दी बताएं। देखो ये तो पहला समीकरण है V बराबर U प्लस AD। ये तीसरा समीकरण है
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस। और ये टी में सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र है, ये तीनों तो सही है लेकिन एस बराबर ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये उपयुक्त समीकरण है, बी ऑप्शन सही होगा, इसका बी ऑप्शन सही होगा। मोन्टू गौतम, नरेंद्र पाल, आसमेंद्र, अर्पित, मोन्टू, दिलीप कुमार, अमन गौतम, रोहित, शिवम कुमार, प्रदीप सिंह, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई इसको बताओ, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, इसका उत्तर बताएं सभी लोग। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मात्रक कौन सा होगा, इसमें से कौन सा होगा? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र में आता है, यह बराबर कैपिटल जी एम वन गुणे एम टू बटे आर स्क्वायर, यह न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र है। कैपिटल जी को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, मान इसका 6.67 उन्हें 10^-11 होता है। मात्रक भी बता दो जल्दी से, मात्रक इसका होगा देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। बेमा सूत्र इसका कैपिटल जी का, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का बीमा सूत्र एम एल माइनस वन, एम माइनस वन, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, इसका बीमा सूत्र हो जाएगा एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, बीमा सूत्र। जैसे ये देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यही तो है, ये मात्रक है, इससे बीमा निकाल सकते हो। न्यूटन का मतलब बल, एम एल टी माइनस टू हो जाएगा, मीटर स्क्वायर मतलब एल टू हो जाएगा, किलोग्राम का स्क्वायर मतलब एम गुणे एम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, एम गुणे एम, एक एम से एक एम कैंसिल, ऊपर जाएगा माइनस वन एम माइनस वन और ये एल थ्री हो जाएगा, टी माइनस टू हो जाएगा। तो कैपिटल जी का बीमा सूत्र एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, ठीक है, इसका सी विकल्प हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो अतिरिक्त चीजें बताई जा रही उनको भी नोट करते चलना है, ऐसा नहीं है कि केवल आंसर आंसर नोट कर लो। पूरा नोट करना है। चलिए अगला सवाल बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। स्मॉल जी, स्मॉल जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसका मान प्लेस टू प्लेस बदलता रहता है स्मॉल जी का, लेकिन कैपिटल जी का मान बदलता नहीं है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है बोलो भाई? स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर होता है, या हमने कभी कभी कहा था ऐसे लिखा रहता है स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर, तिरछा गुणा कर दो, जी इंटू आर स्क्वायर बराबर कैपिटल जी एम। बोलो उत्तर क्या है? अमन गौतम ए बता रहे, रोहित कुमार आपका गलत है, ठीक है अमन का सही है, जी एम बराबर जी आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जितने लोग ए ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, जी एम बराबर जिस्माल जी आर स्क्वायर, इस्माल जी का मान बदलता रहता है, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट होता है, इसका मान बदलता नहीं है, ठीक है, ये स्माल जी और कैपिटल जी में संबंध है। चलिए अगला सवाल बताइए। अमन अग्निहोत्री, कमेंट अब आया आपका, अब कमेंट आया तो कमेंट देखा जा रहा, अभी तक तुम थे ही नहीं, है ना, अचानक 20 लोग अभी बढ़ गए हैं एक बार नाम लेने से। देखो नाम तो सबका दिखता है कि कौन विद्यार्थी पढ़ रहा है कौन नहीं विद्यार्थी पढ़ रहा है ना, पता तो सभी चल जाता है। चलो भाई बताओ आवृत्ति, कल बताया था एक सेकंड में चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति का मात्रक हमने बताया था सेकंड इनवर्स या हर्टज होता है, बेमा सूत्र टी माइनस वन होता है,
आवर्तकाल, एक वृत्त पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। तो आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध बताइए। आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध बताएं। आवृत्ति व आवर्तकाल में संबंध होता है, सब लोग बताओ जल्दी से। आलोक प्रकाश कमेंट दिख रहा बेटा आपका, जल्दी जल्दी बताइए। अवनीश मौर्य ठीक है, काफी लोगों ने बी ऑप्शन बताया। एन बराबर वन अपान टी, आवृत्ति का मात्रक होता सेकेंड इनवर्स या प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड या हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन बताइए। ठीक है, काफी लोगों का बिल्कुल सही है आंसर, जो रिवीजन रेगुलर कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। जिस सरल लोलक का आवर्तकाल दो सेकेंड होता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी बताएं। जिस सरल लोलक का आवर्तकाल दो सेकेंड होता है उसे क्या कहते हैं, इसका आंसर बताइए। ठीक है, बताइए जल्दी से क्या आंसर है। बी ऑप्शन ठीक है, काफी लोगों का बिल्कुल सही है। सेकेंड लोलक, सेकेंड लोलक के धागे की लंबाई जी के पदों में एल बराबर होता जी बटे पाई स्क्वायर, एल बराबर जी बटे पाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद आता 99.3 सेंटीमीटर या लगभग एक मीटर होती है, या लगभग एक मीटर। ठीक है, जी बटे पाई स्क्वायर 99.3 सेंटीमीटर या लगभग एक मीटर। चंद्रमा पर सेकेंड लोलक के धागे की लंबाई, चंद्रमा पर सेकेंड लोलक के धागे की लंबाई एल बराबर होता है 1/6 मीटर, एल बराबर होता 1/6 मीटर चंद्रमा पर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला, चलिए इसका आंसर बताएं। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार बल एफ अनुक्रमानुपाती होता है, बल एफ अनुक्रमानुपाती होता द्रव्यमानों के गुणनफल के m1 गुणे m2 के और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। m1 गुणे m2 बटे r स्क्वायर, m1 गुणे m2 बटे r स्क्वायर, विकल्प नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। ठीक है अनुराग दत्त, तो ये जी का मान बता रहे हो, चंद्रमा पर गुरुत्वीय द्रोण का मान जी बटे 6 होता है। ठीक है, हम पूछ रहे थे सेकंड लोलक के धागे की लंबाई चंद्रमा पर 1/6 मीटर होगी। ठीक है, यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बताएं, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी तल के सापेक्ष गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, पृथ्वी तल पर सबसे ज्यादा रहता, ध्यान रखना इस मान जी का मान पृथ्वी के सतह पर सबसे ज्यादा होता है। पृथ्वी के सतह से ऊंचाई पर जाएं, चाहे पृथ्वी के सतह से गहराई में जाएं, इस मान जी का जो मान होता घटता है ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर, दोनों कंडीशन में इस मान जी का मान क्या होता घटता है, जल्दी बताएं इसका आंसर बताइए। आर्यन गलत बता रहे हो, अमर अग्निहोत्री मोन्टू प्रांशु गौतम भयोम, ठीक है, तो तल से ऊपर या नीचे जाने पर घटता है, बिल्कुल सही जवाब है। देखो ऊंचाई के साथ एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता जी डैश बराबर होता जी पूरे का बटा 1+H/RE का होल वर्ग, कॉपी में लिखवाया है, और पृथ्वी के सतह से एच गहराई में, ये सूत्र याद कर लेना, एच गहराई में गुरुत्वीय त्वरण होता जी डैश बराबर G1-H/RE होता है, जी डैश बराबर G1-H/RE, ये दोनों सूत्र पता होने चाहिए। पृथ्वी के सतह पर इस माल जी का मान सबसे ज्यादा रहता है। अच्छा, अगर हम ये पूछें पृथ्वी के सतह पर किस लोकेशन पर इस माल जी का मान सबसे ज्यादा होता है, तो आप कहोगे ध्रुवों पर,
ध्रुवों पर जी का मान सबसे ज्यादा होता है, भूमध्य रेखा पर इस्माल जी का मान सबसे कम होता है, भूमध्य रेखा पर इस्माल जी का मान सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है, इसका आंसर बताइए। देखो क्षैतिज वृत्त में गति एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है, अगर कॉपी में लिखे ना हो तो लिख लेना। क्षैतिज वृत्त में गति, क्षैतिज वृत्त में गति गति होती है, क्षैतिज वृत्त में गति होती है, इसका आंसर है एक समान वृत्तीय गति।